एग्जाम्पल में फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको न्यूमेरिकल ऐसे गिवन होगा। मान लो वो कहेगा ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट है जिस पे 5 एम्पियर करंट है, इसके सामने एक और वायर है मान लो इस तरीके से जिसके ऊपर 3 एम्पियर करंट है, और साथ में ये दूरी भी आपको देगा, वो मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये फाइनाइट है, और इसकी जो लेंथ है फाइनाइट वो 25 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर लंबाई है। क्वेश्चन आएगा क्या ये इनफाइनाइट वायर इस पे फोर्स लगाएगी? पैरेलल वायर्स हैं, हाँ या ना? लगाएगी। अट्रैक्टिव के रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। टू वायर्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्टिव लगाएगी। तो ये तो पता लग गया कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। क्वेश्चन है फोर्स निकालो, मैंने ये नहीं कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, जबकि मैंने आपको ये सिखाया कि अगर दो वायर्स पैरेलल हैं इसका फोर्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। तो तुम इसमें ऐसा करो, फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हो पर यूनिट लेंथ का ही फॉर्मूला लिख दो। चलो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय A। आपको फोर्स तो निकालनी है, बोलो कितनी लंबाई के ऊपर, कितनी लेंथ पे निकालनी है? 25 सेंटीमीटर लेंथ पे निकालनी है। तो यहां पर क्या पुट करेंगे? 25 × 10⁻²⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁷। 2 × करंट आपको पता है 5 और 3 है, और ए डिस्टेंस इनके बीच में पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। आंसर लगाना आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगेगा समझ में आ रहा है? तो जितनी लेंथ के ऊपर आपको फोर्स निकालनी है वो लंबाई यहां पे आएगी। ठीक, तो पहला रूल क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये इसकी बेसिक प्रॉब्लम है। ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसी आती है। अब आपको एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, वो बता देता हूं। वो क्या कहेगा देखो, वो कहेगा मान लो ये 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, इसके सामने एक वायर है जिसमें 3 एम्पियर का करंट है। अब वो ये पूछेगा क्या ये वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? देखो ये मैंने करवाया नहीं, क्योंकि मैंने आपको दो पैरेलल वायर तो करवाया। पिछले 15 मिनट से मैं आपको सिर्फ पैरेलल वायर पे एक्सप्रेशन करवा रहा था, और आपको हर चीज रटा दी मैंने कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है अट्रैक्शन, ऑपोजिट है रिपल्शन, और अगर फोर्स निकालनी है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्मूले से फोर्स भी आ जाएगी, बात क्लोज। पर मैंने आपको जब क्वेश्चन पूछा तो वो परपेंडिकुलर वायर दे दिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये वायर इस पे फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? लगाएगी, लगाएगी। तो कितनी लगाएगी? तो चलो एक लंबी बात हो जाएगी, अगले लेक्चर में यही करना है, थोड़ी बड़ी बात है ये, आप नहीं निकाल पाएंगे अभी। लगाएगी, आप बस मुझे ये बताएं। अच्छा, आंसर इसका यही है, लगाएगी। क्यों लगाएगी? देखो ये वायर अपने पड़ोस में बी जनरेट करेगा। कैसे करेगा? थंब इधर, बी कैसे होगा? इनसाइड। तो यहां पे बी जनरेट होगा, और कैसे? इनसाइड। तो मान लो चलो एक लेंथ ले लेते हैं, छोटी सी लेंथ ले ली इनसाइड। अब करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। लगेगी, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा हूं लगेगी कि नहीं लगेगी। फोर्स तो लगेगी, डायरेक्शन बताओ फोर्स की क्या लगेगी? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है? इनसाइड। करंट कैसे है? राइट। फोर्स कैसे लगेगी? ऊपर। फोर्स तो लगेगी, तो फोर्स ऊपर लगेगी, ठीक है। पर एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, इसने जो ये बी जनरेट किया यहां पर ज्यादा किया, यहां पे कम करेगा, यहां और कम हो जाएगा, यहां और कम होगा, और यहां और भी कम होगा, क्योंकि जितनी दूर जाओगे वायर से बी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो फोर्स बराबर नहीं लगेगी। सबसे पहले वाले एलिमेंट पे फोर्स ज्यादा लगेगी, फिर कम लगेगी, फिर और कम और कम और कम और कम, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फोर्स लगेगी, बराबर फोर्स नहीं लगेगी। जबकि अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें पैरेलल वायर्स थी, पैरेलल वायर्स, इनमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इनमें ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता, और बी की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या आती है? सेम। तो फोर्स की वैल्यू भी हर पॉइंट पर क्या आती है? सेम। इसमें यूनिफॉर्म लगती है, और उसके अंदर बी डिक्रीज होता जा रहा है, फोर्स भी डिक्रीज होती जाएगी। कोई डाउट इसमें? सर
सही है यहाँ तक? तो अगर कोई वायर परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, शॉर्टकट सुन लो, उसके ऊपर फोर्स लगेगी। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा ये फ्री पड़ी हुई थी, फ्री टू मूव, ये कैसे मूव करेगी? देखो ध्यान से देखना, हाँ ये वाला पोर्शन में ज़्यादा फोर्स, फिर कम, फिर कम, ये ज़्यादा उठेगा, ये कम उठेगा, उठेंगे दोनों ऐसे, और साथ में घूमेगा भी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फोर्स है, यहाँ पर थोड़ी कम फोर्स है, तो सोचो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये ऊपर भी जाएगा और ये ऐसे भी हो जाएगा। तो इसका आंसर है, इसकी जो मोशन है वो ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल है, ये मार्क करने ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल बोथ, पक्का आएगा, टेस्ट में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, आपके फाइनल में भी आएगा और कॉम्पिटिशन में भी आएगा। तो ये सीधा शॉर्टकट है कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये वायर या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, ओनली ट्रांसलेशन, रोटेशनल नहीं हो सकती। ठीक है यहां तक? तो रिजल्ट याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको होमवर्क भी दूंगा मैं करने के लिए अभी। जैसे सपोज वो कहेगा कि ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट है, इसके सामने एक रेक्टेंगुलर लूप पड़ा हुआ है, मान लो ये 25 सेंटीमीटर है, मान लो ये 15 सेंटीमीटर का लूप है, इसमें 5 एम्पियर करंट है, इसमें 3 एम्पियर करंट है, और लेट अस सपोज इनमें जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इस वायर ने इस लूप के ऊपर नेट फोर्स क्या लगाई। तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, चार हिस्सों में ब्रेक कर लो। सबसे पहले एक एक करके आंसर दो, बताओ। पहला आंसर, ये वायर और ये वायर में करंट सेम डायरेक्शन में, ये अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल? ये अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी फोर्स तो बनेगी इस तरफ एफ वन, सही है। अब ये वायर और ये वायर करंट ऑपोजिट है, तो दे विल रिपेल, ठीक है। ये वाली वायर इसको भी तो रिपेल करेगी, तो फोर्स रिपल्शन का मतलब कहां लगाएगी, बाहर की तरफ लगाएगी, एफ टू, सही यहां तक। तो ये वाली वायर इसे अट्रैक्ट करेगी और ये वायर उसे रिपेल करेगी, वैल्यू तो भी बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट, ये वाली वायर इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाएगी, अभी डिस्कस किया था, यहां पर ज्यादा, कम और कम और कम और कम और बिल्कुल कम, और सेम इसके साथ है, क्योंकि करंट राइट की जगह लेफ्ट आ गया, तो यहां पर फोर्स नीचे लगेगी, ऊपर की जगह नीचे हो जाएगी, ज्यादा, कम, कम और कम और कम, जो काम ऊपर वही नीचे, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये नेट फोर्स ऊपर नीचे की आपस में क्या कर गई, कैंसल। तो इसलिए रेक्टेंगुलर लूप ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी ना कैंसिल होगी। तो बोलो F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 इंपॉर्टेंट, F1 फोर्स है कितनी लेंथ के ऊपर, ये लंबाई कितनी है 15, तो 15 सेंटीमीटर के ऊपर फोर्स निकल रही है, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमने किया हुआ है 2 इंटू आई वन इंटू आई टू डिवाइडेड बाय ए, तो क्या आएगा F1 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 7, 2 इंटू करंट कितने 5 और 3 एम्पियर, और इन वायर में दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये टर्म से F1 आ गया, F1 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सही है यहां तक। और अगर मैं ये कहूं कि इस वायर और उस वायर के बीच में F2 निकालो, तो F2 के नीचे लेंथ क्या लें, लेंथ क्या लें, कितने सेंटीमीटर, 35 की 15, ये फोर्स कितनी लंबाई के ऊपर है 15, ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे 15, तो यहां पर क्या आएगा 15 ही आएगा, तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, अब बताओ इनमें दूरी कितनी है 35, तो 35 इंटू 10 की पावर माइनस F2 आ गया। बोलो F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, नजदीक है तो F1 ही बड़ा होगा, तो फिर नेट फोर्स क्या आएगी F1 माइनस F2 टूवर्ड्स लेफ्ट। तो कई बार न्यूमेरिकल नहीं आता, कई बार ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाता है, बताओ ये लूप कहाँ मूव करेगा, तो देखना पड़ता है ये अट्रैक्टिव है बड़ा है, तो ये बड़ा है और वो छोटा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ऑब्जेक्टिव में सीधा लेफ्ट राइट भी मार्क करने को आएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें,
ठीक, सब्जेक्टिव शीट देना आपने। होमवर्क जो आज हमने लेक्चर किया ना, इसके ऊपर आपने पक्का ऐसे मत आना, सारे न्यूमेरिकल करके आना। सब्जेक्टिव शीट नंबर 40, 41, 40, 41 एंड 42 आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 40, 41 एंड 42 ये करके ही आना है। इसके डाउट होने ऐसे मत आना।